जलकुंभी से बने हुए ये प्रोडक्ट हैं। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की बास्केट है, किस तरह की ये मेडिसिन बास्केट है, ये आप देख सकते हैं, ये वेजिटेबल बास्केट है, और इसी तरह के अलग सेगमेंट में अगर देखेंगे तो ये योगा बास्केट भी है, योगा मैट भी है। ये टोटली क्या है कि ये जलकुंभी से बने हुए हैं। जलकुंभी जो कि यूपी बिहार अगर खास तौर से उत्तर भारत में कहें तो हमारे लिए एकदम अनयूज्ड, एक बहुत बड़ी इसको कह सकते हैं कि समस्या है, और ये हमारे तालाबों में हो जाती है जिसको हम निकालने में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उसको भी इन लोगों ने बहुत ही यूजफुल बना दिया और इस तरह के प्रोडक्ट बना के एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ में आप इसकी मैन्युफैक्चरर भी हैं और आसाम में आपका एक अच्छा काम है, और ये टोटली जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं ये सब महिलाएं हैं। तो जलकुंभी को सबसे पहले निकाला जाता है, इसको फिर सुखाया जाता है, ये रॉ मटेरियल है, और उसके बाद में फिर इसकी बुनाई होती है। बुनाई होने के बाद में इस प्रोडक्ट को फिर अलग अलग शेप दिया जाता है कि हमें क्या बनाना है इसको। जैसे ये टोकरी है, इसको बनाने में 2 दिन लगते हैं, तो इसी तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, और पूरी तरीके से ये इको फ्रेंडली है, और जितनी डिमांड है उसकी डिमांड भी नहीं पूरा कर पाते हैं लोग, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी होता है। गुवाहाटी में हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो वाटर ग्रास जिसे हम हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, जो तालाब में होता है ये प्रोडक्ट वाटर ग्रास, उसे फिर हम लोग सुखाने का काम करते हैं। सुखाने के बाद जो भी शेप देना हो, जिस बनाना है, जैसे ये जो जलकुंभी है वाटर हाइसिंथ, वो सूखने के बाद ये ऐसा होता है। फिर हम लोग इसको अपने अपने शेप में, जैसे बास्केट बनाना हो, नैपकिन होल्डर बनाना हो, फ्रूट बास्केट हो, टेबल मैट या योगा मैट, ये जो है जो हमारे बाहर में फॉरेन कंट्री में ज़्यादा यूज हो रहे हैं और ज़्यादा डिमांड है वहाँ के लिए, और वहाँ जाते भी हैं हमारे ये प्रोडक्ट, इंडिया में कम और इंडिया से बाहर के लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को। क्या खासियत है? और इसकी खासियत है कि एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, और ये लास्टिंग भी काफ़ी करते हैं, और ये पानी के अंदर होता है, इसके कारण ये पानी से भी कोई इसमें डैमेज होने वाली बात होती नहीं है। इसमें पानी लग जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा या कुछ फंगस लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। इस काम में कितनी मेहनत है और किस तरह के लोग बनाते हैं, मतलब कौन पुरुष बनाता है? हमारे पास ज़्यादा लेडीज की ही काम है, जो ये लेडीज करती हैं, जो हाउस वाइफ हुई वो लोग ही करते हैं। वो आर्टिसन है, जो हम लोग उनको सैंपल देते हैं कि आपको ऐसा बनाना है, फिर वो लोग बनाते हैं। तो उनको क्या वो प्रोडक्ट के समेत वो बनाते हैं या आप? नहीं नहीं, हम लोग सारा मटेरियल उनको देते हैं, जो वाटर हाइसिंथ का जो ग्रास है ये सब हम लोग उनको देते हैं। फिर लोग, हम लोगों का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे ये वो लोग काम करती हैं सारी महिलाएं। तो इस तरह के प्रोडक्ट से जहाँ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत ही एक ऐसा आसान कह लें या एक नई दिशा भी दिखाई है कि हम जलकुंभी को भी यूज में लाकर उसे काफी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। हरमेंद्र सिंह, किसान तक वाराणसी। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।